Good morning, students. Good morning, everyone. I hope I am audible and visible. This is Dr. Anurag Singh. I welcome you on board to the present session of Daily Current Affairs Express on India's largest online learning platform, that is Unacademy. Unacademy के YouTube channel Let's Crack UPSC CSE में आप सभी लोगों का स्वागत है. We're going to see some crucial, relevant current affairs from The Hindu, The Indian Express, and live and relevant from UPSC perspective. Before proceeding ahead, let me know if I am audible and visible so that we may proceed ahead in today's session. Yes, good morning students. Jai Hind, Namaskar, yes, good morning. So this is Dr. Anurag, a passionate UPSC mentor and expert in the field for the past one decade in offline mentoring and past 1 year in online mentoring upon the Unacademy platform. यूपीएससी में मैंने चार अटेम्प्ट्स में चार मेंस दिए हैं. दो बार पर्सनैलिटी टेस्ट में अपीयर किया हूं मैं. आई हैव आल्सो वर्कड एज असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स इन उत्तर प्रदेश स्टेट सर्विसेज. तीन साल मैंने काम किया. आई रिजाइन फ्रॉम द सर्विस टू परस्यू माई पैशन ऑफ मेंटरिंग द यूपीएससी एस्पिरेंट्स विच आई एम डूइंग सक्सेसफुली फॉर द पास्ट 7-8 ईयर्स ऑलमोस्ट. एंड टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी _ अनुराग सिंह, जुड़ जाइएगा इस सेशन के फ्री पीडीएफ एंड फर्दर अपडेट्स के लिए. एंड स्टूडेंट्स, मैं एडवाइस करूंगा डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, सब्सक्राइब इधर अपॉन द प्लस या आइकनिक पे. प्लस पे आपको लाइव क्लासेस और मॉक टेस्ट का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा. आइकनिक पे यू आर गोइंग टू गेट अ मेंटर असाइन टू यू. इट्स अ मेंटरशिप प्लान अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस. एंड डेली डाउट क्लैरिफिकेशन होगा, डेली मेन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा. यू कैन सी द 1-3 ईयर प्लान ऑफ प्लस एंड आइकनिक. यूज रेफरल कोड अनुराग ANURAG to get a 10% off on these plans and also get my notes, booklets and PDF free of cost. Aap mere WhatsApp group pe jud jaiyega for the purpose of note sharing. You will not need anything apart from my notes and NCRTs. And Unacademy ka 3-in-1 offer chal raha hai. Loans you can get for subscription at 0% interest rate. Also 2-month subscription available only at ₹15,000. And yes, Unacademy notes worth ₹10,000 minimum with 1 year subscription. एक साल के ऊपर का subscription लेते हैं आप तो Unacademy की booklets आपके घर पर चली जाएंगी. बहुत awesome booklets हैं. And use referral code Anurag in all these subscriptions. It's 7 hours. So this is it, students. UPSC Combat is there, India's biggest free scholarship test every Sunday 11 AM. Participate to win scholarships including subscriptions. And this is my profile link on the Unacademy. Anurag IMS search कीजिए, follow कीजिए. शाम को MCQ की classes चल रही हैं अभी daily. ठीक है, कल भी हम लोगों ने देखा था multiple choice question UPSC prelims 2021 के लिए. And it will help you sharpen your preparation. It's a free special class. Don't forget to attend it. So let's begin, students. Today's session. आइए देखते हैं. 3 September है. Every current affairs news we are going to see from टू परस्पेक्टिव, मेन्स एंड प्रीलिम्स. मेन्स के लिए हम क्या देखेंगे? डिकोड द न्यूज इंटरलिंक्ड एट वेरियस क्वेश्चंस एंड इन वेरियस टॉपिक्स फॉर द मेन्स, जहां सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग करना पड़ता है. एंड प्रीलिम्स के लिए 360 degree अप्रोच टू सी यहां से इस न्यूज के बैकग्राउंड से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं. तो चलिए बढ़ चलते हैं आगे. टेक आउट एटलस स्टूडेंट्स, एटलस इज वेरी वेरी नेसेसरी. टेक आउट GS पेपर 1-3 मेन सिलेबस. टेक आउट अ न्यूज नोटबुक. टेक आउट 3-4 कलर पेन्स टू राइट डाउन द रनिंग नोट्स. रनिंग नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाइए. ठीक है, एंड लेट्स बिगिन द सेशन नाउ. पहला स्लाइड आपको पता है, अफगानिस्तान तालिबान के ऊपर, तालिबान प्रेजेंस इन अफगानिस्तान, उसको लेकर चल रहा है पिछले 1 month से ऑलमोस्ट. तो अफगान ओरिजिन टेरर प्राइम कंसर्न इंडिया ने कन्वे किया है. ये कन्वे किसको किया गया? तालिबान को. कहां पे मीटिंग हुई थी? कतर में मीटिंग हुई थी. कतर इज अ वेस्ट एशियन कंट्री, सुना होगा आपने. एंड देयर फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया एंड तालिबान फॉर्मली एक्सेप्टेड दैट दे हैड मेट. यस, इंडिया ने फॉर्मली एक्सेप्ट किया पहली बार कि तालिबान से कुछ बातचीत चल रही है. और वहीं पर इंडिया ऑल्सो कन्वेड दैट there could be a rise of terrorism in the region and usko apprehension, India ko apprehensions the, ye bata diya gaya hai Taliban ko. Ye dekhiye to yahan se kya kuch important hai? Nothing that much important from this news. It's all that India is putting up its
worries in front of Taliban. In short, it can be a challenge. Dhyan dijiyega. A terrorism can be a challenge in India-Afghanistan relations. Do you agree, students? Terrorism can be a potential challenge. Yes. Ye dekhi. In India-Afghan future relations. Ye dekhi. इसपे दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे रहना पड़ेगा. दैट मींस तालिबान विल हैव टू कंट्रोल टेररिज्म इन द रीजन. तो ये बस इतना बस इंडिया अफगान रिलेशंस में अगर प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस फॉर द फ्यूचर आएगा. चैलेंजेस में एक बड़ा चैलेंज है टेररिज्म. ऑलरेडी पाकिस्तान हैज बीन इन्वॉल्व इन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इन द रीजन. स्टेट स्पॉन्सर्ड पता होना चाहिए आपको. सपोर्टेड बाय द स्टेट. स्टेट मीन्स अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान. एंड यहाँ पर अगर अफगानिस्तान में यही सेम कंडीशंस रही, दिस रीजन माइट फेस प्रॉब्लम्स इन नियर फ्यूचर. आगे बढ़ते हैं. सेकेंड न्यूज, इंडिया कीपिंग अ वॉच ऑन टाइज बिटवीन तालिबान एंड पाकिस्तान. तालिबान और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है, रिलेशंस कैसे चल रहे हैं, इस पर भी नजर रखी जा रही है. Why is everyone focusing upon these two countries, means Taliban from Afghanistan and Pakistan? क्योंकि ध्यान दीजिए, Afghanistan and Pakistan share a long boundary. ये देखिए, share a long boundary. You can see it here. ये The Indian Express में आज आया हुआ है article. ये देखिए, and friction point between Afghanistan and Pakistan. ये देखिए, friction point क्या है, सुनिएगा. तालिबान ने कहा, तालिबान की तरफ से तालिबान स्पोक्समैन अपोज्ड द फेंस इरेक्टेड बाय पाकिस्तान अलोंग द ड्यूरेंड लाइन. अच्छा, तो पाकिस्तान ड्यूरेंड लाइन कहां पे स्टूडेंट्स, दिस रेड लाइन, द बाउंड्री बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इज नोन एज द ड्यूरेंड लाइन. ये ब्रिटिश लीगसी है. ब्रिटेन यहां बनाकर गया था ये लाइन. ब्रिटेन ने क्यों बनाया था, इसके साउथ में, the south of this line, the south asian portion, at that time it was in the whole was india, and just iske north mein afghanistan was a buffer state. suna hai aapne buffer state, tell me students. ye line dar ke mare britain ne banaya tha us samay to keep the russia out of this region. ye dekhiye, to keep Russia out of this belt, it was made. Afghanistan or Pakistan, जो अभी आज present boundary है, उस समय बनाया गया था. Durand line is a legacy of 19th century great game. Great game word सुना ही होगा आपने. Great game इसी region को कहा गया. Afghanistan में the game of the superpowers, the interest of the superpowers to have a control of this region. रशियन ब्रिटिश एम्पायर्स के बीच में अफगानिस्तान वॉज अ बफर स्टेट बाय द ब्रिटिश. इट वॉज क्रिएटेड एंड दिस एग्रीमेंट डिमार्केटिंग व्हाट बिकेम नोन एज ड्यूरेंड लाइन वॉज साइंड इन 1893. ये नाम कैसे पड़ा, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे सर हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरेंड. ये देखिए, वो ब्रिटेन की तरफ से इस लीड कर रहे थे इस पैक्ट को. इसी वजह से सन सर हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरेंड के नाम पर ड्यूरेंड लाइन. ये देखिए, एंड वहीं पे सेवन क्लॉज एग्रीमेंट साइन किया गया था. 2670 किलोमीटर्स लंबा ये लाइन है. और आपने देखा होगा जीके की बुक्स में आता है, जीके की बुक्स में जो भी दूसरे एग्जामिनेशंस को लेकर बुक्स आती हैं जीके की, उसमें आता है ड्यूरेंड लाइन, रेडक्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन. सो ड्यूरेंड लाइन नोट कर लीजिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का प्रेजेंट बाउंड्री डिमार्केट करता है. एंड फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव व्हाट इज इंपॉर्टेंट आउट हियर, so tell me students, has Pakistan been involved in pushing up terror outfits into Afghanistan? Yes. ye dekhi, across the Durand line, aur ab wo bana raha hai fence yahan pe. wahi Taliban keh raha, this is a problem, you are creating a fence upon the boundary. Pakistan ki taraf se jawab aaya, so what is the problem, problem kya hai, samasya kya hai, yahan ban raha hai fence. turant Taliban ne kaha that this belt, ye dekhiye, the so called Pakhtunistan belt, ये देखिए Pakhtunistan belt, जो पश्तूंस का एरिया है, उसको ये लाइन डिवाइड करता था दो रीजन्स में, एक पाकिस्तान के पास चला गया, एक अफगानिस्तान के पास. so this boundary line is not representative of the cultural
the culture in that region. It has divided culture into two. Are you getting the point? Tell me. कहा गया दैट ड्यूरेंट लाइन ने पख्तूनिस्तान को दो में विभाजित कर दिया, एक पाकिस्तान के पास एक अफगानिस्तान के पास. यही आज तालिबान कह रहा है. तो पश्तूनिस्तान एन इंडिपेंडेंट कंट्री, एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ द पश्तूंस वाज अ डिमांड मेड बाय खान अब्दुल गफार खान. याद कीजिए रेड शर्ट्स मूवमेंट, खान अब्दुल गफार खान, रेड शर्ट्स मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. यस, वहीं पे उन्होंने इसके बारे में डिमांड रखा था. एंड ही वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी एंड ही लेफ्ट हिज डिमांड ऑफ अ सेपरेट पश्तूनिस्तान ओनली बिकॉज ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया. एट दैट टाइम पार्टीशन हो गया इंडिया का, इंडिया एंड पाकिस्तान में, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया डिमांड. अदरवाइज He wanted a separate country, autonomous region for the Pashtuns. अब यही बेल्ट, ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफी ऑप्शनल, जिन बच्चा लोगों का ऑप्शनल है आप लोग पढ़िएगा, एक टॉपिक है ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर वन में, फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज, एंड बाउंड्रीज कितनी जगहों पर बनाए गए. बाउंड्रीज आर डिमार्केटिंग लाइन बिटवीन टू कंट्रीज, टू कल्चर्स. कितनी जगहों पे बाउंड्रीज सुपर इम्पोज किए गए. डू यू एग्री स्टूडेंट? सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती थोपा गया बाउंड्री. यू कैन सी इट हियर, जबरदस्ती थोपा गया बाउंड्री. मींस द पीपल डिडंट लाइक दैट बाउंड्री टू कम अप इन दैट रीजन, बट इट वाज सुपर इम्पोज. एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एट दैट टाइम, एग्जाम्पल नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम एट दैट टाइम. And even Durand line is a superimposed boundary. So this is the thing. अब इसी Durand line पे पाकिस्तान fence create कर रहा है. तो तालिबान की तरफ से आया है question that what is the issue with you? ये पश्तूनिस्तान का जो belt है जिसने culture को divide कर दिया दो में, एक पाकिस्तान के side एक अफगानिस्तान के side. This Durand line is not good for this belt. ये देखिए. और फिर दोनों देश, इसीलिए इंडिया स्कीपिंग एन आई. पाकिस्तान कह रहा तालिबान को कि आप टेरर को आप बढ़ावा दे रहे हैं, और अफगानिस्तान शुरू से, तालिबान के पहले से ही अफगानिस्तान, तो पता ही है दैट अफगानिस्तान में जितना टेरर अटैक्स हुआ था सब के पीछे पाकिस्तान का हाथ था. ये देखिए. सो दिस इज इट. अब यहां से पॉइंट क्या आएगा? क्रॉस बॉर्डर टेंशन मे राइज अप, मे फ्लेयर अप. यस, It may flare up, students, in the coming days because of this fence creation by Pakistan. And this is why we need to keep an eye over this region. And इसीलिए तालिबान के साथ में जो एक formal relations इंडिया ने शुरुआत की है, India was having a wait and watch policy. Time came, India ने talk शुरू किए. Let's see what comes up in future. But this cross-border tension between Pakistan and Afghanistan may create problem also, may create an opportunity for India also. ये पाकिस्तान क्यों फेंस क्रिएट कर रहा? पाकिस्तान बहुत पहले से फेंस क्रिएट कर रहा था, लेकिन अब उसने तेजी दिखा दी है. इसी वजह से तालिबान कह रहा, क्या बात है भाई, क्या परेशानी है? कुछ परेशानी है तो बताओ हमें. That why are you creating the fence out here? तुम फेंस क्रिएट करोगे तो चिंता की बात है. So this is it. So Pakistan began erecting a fence on the Durand line. Ye dekhi. And while it may have reduced the movement of militants from Afghanistan into Pakistan, Pakistan keh raha hai, militants Afghanistan se Pakistan mein aa jate hain, terrorists aa jate hain. Taliban bhi keh raha hai, Afghanistan ke log kehte hain, militants idhar se udhar jate hain. From Afghanistan to Pakistan. Reverse is the case. This fence is against the Pashtunistan belt. ये देखिए, इसीलिए ये लोग अपोज कर रहे हैं. Getting the point? तो ये देख लीजिए students, अब इसको लेकर कुछ ना कुछ अब आएगा अब न्यूज. ठीक है, जब एक बार शुरू हो गया ना, एक बार शुरू हो गया problems. पाकिस्तान इज वन कंट्री which is having border tensions with India, ईरान, दोनों देशों के साथ उसके बॉर्डर टेंशन से. अब अफगानिस्तान से भी शुरू हो गया बॉर्डर टेंशन यहां पे. सो इस जगह से केवल प्रीलिम्स के लिए, स्टेट सर्विसेज के लिए एंड अदर एग्जामिनेशंस के लिए, व्हाट इज द ड्यूरेंट लाइन.
ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रेट गेम, ये सब मैंने बताया था आपको. एंड फॉर मेंस इन यूपीएससी देयर इज अ चैलेंज ऑफ टेररिज्म इन इंडिया अफगान रिलेशंस, केवल इतना काफी है. हेडलाइन देख लीजिए, फ्रिक्शन पॉइंट बिटवीन अफगानिस्तान पाकिस्तान. उसके पहले इंडिया कीपिंग अ वॉच ऑन टाइज बिटवीन तालिबान एंड पाकिस्तान, देखिए यहां पे. उसके पहले अफगान ओरिजिन टेरर प्राइम कंसर्न इंडिया, इंडिया ने कन्वे कर दिया है भाई, ये देखिए. ग्रेट गेम वॉज द नेम गिवन, ध्यान दीजिएगा, बहुत पहले, आज से 150 ईयर्स व्हेन 1850s के बाद की कंडीशन. सारी जगहों पे कॉलोनीज आ गई थी, कॉलोनाइजेशन हो गया था बाय द सुपर पावर्स, इंग्लैंड, फ्रांस, पोर्चुगीज, स्पेनिश, ये लोगों ने सब जगह कैप्चर कर लिए थे. यूरोपियंस ने सारी रीजन्स कैप्चर कर लिए थे, एक जगह बाकी था अफगानिस्तान. अफगानिस्तान में ना रशिया की एंट्री हो पा रही थी ना ब्रिटिश की, यही दो कंट्रीज नज़दीक में थे. ब्रिटेन वॉज प्रेजेंट इन साउथ एशिया, रशिया वॉज प्रेजेंट इन सेंट्रल एशिया. अफगानिस्तान वॉज वन पोटेंशियल चैलेंज फॉर बोथ दीज कंट्रीज. और ये लोग सोचते थे क्यों नहीं कैप्चर कर पा रहे हम लोग, उसी को नाम दिया इन लोगों ने ग्रेट गेम. ग्रेट गेम वॉज द एंट्री ऑफ सुपर पावर्स इन टू अफगानिस्तान. बात समझ में आ रही है? और ये ग्रेट गेम डेडली गेम हो गया बिकॉज नन ऑफ द कंट्रीज विच अटैक्ट कुड सर्वाइव इन दिस रीजन. पहले रशिया का अटैक देखिए, रशिया ने 1979 में, ध्यान दीजिए, लास्ट अटैक इट डेड द कोल्ड वॉर एरा, उसने अपने फोर्सेस मोबिलाइज किए थे अफगानिस्तान में. और जब फोर्सेस विड्रॉ किए, दैट वाज द वहीं से रशिया का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया. उसके बाद आया यूएस, देखिए यूएस का टू डिकेड्स, 2001 इट अटैक्ड अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ तालिबान सपोर्ट टू अलकायदा. एंड टू डिकेड्स फ्रॉम देयर इवन यूएसए फेल्ड टू अचीव इट्स एम्स. चलिए आगे बढ़ जाए. सेकेंड न्यूज, सीजेआई साहब ने कहा है, चीफ जस्टिस हमारे यहाँ के कहे हैं, फ्लैग्स कम्युनल कंटेंट इन सोशल मीडिया स्पेसिफिकली. तो सोशल मीडिया क्या ये डबल एजेड सोर्ड है स्टूडेंट्स? सोशल मीडिया इज इट अ डबल एजेड सोर्ड? यस, ये देखिए. इनफैक्ट मीडिया फ्रीडम ऑफ प्रेस, उसी को लेकर ये एक पोटेंशियल दिस प्रॉब्लम इश्यू कंट्रोवर्सी एक मुद्दा बता रहे हैं, दैट कम्युनल कंटेंट की बाढ़ सी आ गई है सोशल मीडिया के ऊपर. एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड एज सेल्फ रेगुलेशन, रेगुलेशन कुछ है ही नहीं, जिसको मन वो कुछ बोल रहा है हमेशा. बोलेगा ओके सर, क्या ये द हिंदू का न्यूज है? यस, द हिंदू. देयर इज अ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, देखिए कितना बढ़िया शब्द है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. जिसको देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर जस्ट इंटरमीडियरीज, डू यू एग्री? इंटरमीडियरी, ये वर्ड सुना है आपने, ये बार बार आया हुआ है वर्ड अभी रिसेंटली. लेकिन कोई है नहीं जो रेगुलेशन, जो अकाउंटेबिलिटी यहां पर चेक करे जो लोग पोस्ट कर रहे हैं उनके बारे में. And the CGI is saying that certain sections of the media communalized everything, and this would ultimately result in giving the country a bad name. Yes. और ये देखिए Indian Express में वही चीज देखिए, section of media gives everything a communal angle, country gets bad name. Yes. By default, the concept of hatred has increased on social media platforms. अब फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या होता है, कहां से आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस? डज इट कम फ्रॉम आर्टिकल 19(1)A स्टूडेंट्स? आर्टिकल 19(1)A फंडामेंटल राइट है. फ्रीडम ऑफ प्रेस कम्स फ्रॉम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. यस, और यही प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल वॉच डॉग ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. यस, पब्लिक इंटरेस्ट को सिक्योर करने का सबसे पावरफुल एजेंसी ये प्रेस है. इट्स द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम. यस, अपार्ट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. एंड ये देखिए, सेगमेंट ऑफ सोसाइटी दैट हैज इनडायरेक्ट बट की रोल इन पॉलिटिकल सिस्टम. टेल मी स्टूडेंट्स, डज प्रेस ऑल्सो एक्ट एज अ प्रेशर ग्रुप? टेल मी, अपॉन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी, प्रेशर ग्रुप. ये वर्ड आया हुआ है गवर्नेंस टॉपिक में, जीएस पेपर 2 में देखिएगा. वट इज अ प्रेशर ग्रुप? प्रेशर ग्रुप वो होता है जो इन्फ्लुएंस करता है. Pressure group is a group influencing the policies, implementation of the policies.
यस पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज. प्रेस का कितनी जगह पे इनडायरेक्ट रोल होता है पॉलिसीज बनाने में. यस अब आप बोलेगा ओके सर गॉट इट सर. तो सर प्रेस में क्या क्या आता है ये देखिए. प्रेस इज वन दिस द प्रिंसिपल दैट कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ मीडिया इज कंसिडर्ड अ राइट टू बी एक्सरसाइज्ड फ्रीली. ये देखिए एंड प्रेस में प्रिंट मीडिया भी आता है, डिजिटल मीडिया भी आता है, सोशल मीडिया इसी की बात चल रही है ये देखिए. और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पहले भी डिस्कशन हुआ था, लास्ट वन ईयर से डिस्कशंस चल रहे हैं. एंड ये देखिए आर्टिकल 19(1)A से निकला है ये राइट. एंड लेट मी टेल यू प्रेस का बहुत बड़ा रोल रहा है स्टूडेंट्स इवन फ्रीडम स्ट्रगल में. डू यू एग्री टेल मी. प्रेस हैज अ बिग बिग रोल इवन इन द फ्रीडम स्ट्रगल. इट हैड अ बिग रोल. यस जर्नल्स ध्यान दीजिएगा, जर्नल्स से लेकर न्यूज़पेपर से लेकर मैगजीन से लेकर पैम्पलेट से लेकर ये सारी चीजों ने फ्रीडम स्ट्रगल को स्ट्रेंथन किया था. वो चाहे गदर मूवमेंट हो, वो चाहे एक्सट्रीमिस्ट के पेपर्स हो यानी लाल बाल पाल जो फेमस ट्रायो ऑफ एक्सट्रीमिस्ट स्ट्रगल, या वो मॉडरेट्स के न्यूज़पेपर्स हो या पैम्पलेट्स हो गांधी जी के हरिजन पैम्पलेट ठीक है, ये सारी चीजों ने फ्रीडम स्ट्रगल में बिग रोल प्ले किया. एंड टेल मी वन थिंग, दिस इज द प्रेस ऑल्सो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल ऑडिट. यस सारी चीजों का, सारे लॉज का क्या असर जनता पे पड़ता है उसका सोशल ऑडिट का एक बहुत बड़ा साधन है प्रेस. लेकिन सबसे बड़ी बात है ध्यान दीजिएगा, प्रेस का और एक बड़ा रोल, इट्स अ टूल ऑफ पीपल्स अवेयरनेस ऑल्सो. एग्जाम्पल प्रेस का रोल देखिए निर्भया रेप केस में दिल्ली में 2012, इट वॉज द प्रेशर ऑफ द प्रेस. प्रेस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उसमें. और अल्टीमेटली इट एम्पावर्स एंड एम्पावर्स द इंडिविजुअल्स ऑफ द कंट्री. यस इट इज अ इंस्ट्रूमेंट टू होल्ड गवर्नमेंट और अथॉरिटी अकाउंटेबल टू द पीपल. ये देखिए और इतना इतना होने के इतना मैं क्यों बता रहा हूं इंपॉर्टेंस, क्योंकि इसके बावजूद इतना इतने फायदे इसके बावजूद अगर एथिकल बेसिस नहीं हो प्रेस का, इफ द एथिकल बेसिस इज लैकिंग, डू यू एग्री, एथिकल बेसिस इज लैकिंग, देन इट लीड्स टू अनएथिकल कंटेंट एंड यस प्रॉब्लम्स इन द मीडिया. एथिकल कंटेंट शुड बी देयर. ये देखिए यही तो एक बड़ी वजह है. ध्यान दीजिए बाबू ने, सर रेगुलेशन सर होना चाहिए ना इसमें, कानून नियम कानून आना चाहिए. टेल मी वन थिंग स्टूडेंट्स, ये आपने पढ़ा है जीएस पेपर 4 एथिक्स, आपने पढ़ा है जीएस पेपर 2 पॉलिटी, क्या दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के? यस. व्हाट इज एथिक्स, व्हाट आर मॉरल वैल्यूज? मॉरल वैल्यूज आर इंटीग्रल टू योर लाइफ. एग्री, बचपन से सिखाया जाता है कुछ चीजें, उस पर रेगुलेशंस की जरूरत नहीं पड़ती. इनफैक्ट वो लॉन्ग लास्टिंग होता है हमारे अंदर के वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल एक आपने देखा होगा हमारे जिस हमारे कल्चर में है, जैसे ही कोई दिस पर्सन कम्स अप, अतिथि कोई आते हैं, बाय डिफॉल्ट अगर कोई रिलेटिव है एंड दिस द पर्सन इज एल्डर देन अस, वी गो एंड जस्ट टेक मींस में हम लोग आशीर्वाद लेते हैं, पैर छूते हैं, उसके लिए रेगुलेशंस नहीं आते हैं. दैट इज अ वैल्यू पुट इनसाइड अस. एंड उसके अलावा ध्यान दीजिए, अगर जो वैल्यूज में नहीं है उसको लेकर रेगुलेशन सेट किए जाते हैं घर में. तो वैल्यूज एंड रेगुलेशंस बोथ कंप्लीमेंट ईच अदर, और तभी जाके एक एबल लाइफ हम लोग जी पाते हैं. और अभी देखिए, अब आप, मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूं, डोंट यू थिंक स्टूडेंट्स एक सेल्फ रेगुलेशन का कंसेप्ट भी आना चाहिए मीडिया में? सेल्फ रेगुलेशन, यस, to put to guide the content creators, yes, out here. तो even आप जब post कर रहे हैं दो बार सोचना पड़े. और इसके लिए ध्यान दीजिएगा, ये values media के अंदर आएंगे ही. it should also come in the families, yes. कि आप क्या content put कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं. So there is nothing above the sovereignty, unity and integrity of India. और उसमें जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या दोज हु आर पोस्टिंग सच कम्युनल कंटेंट, दे आर आल्सो द सिटीजंस ऑफ इंडिया ओनली. इसीलिए परेशानी क्रिएट हो रही है. इट नीड्स अ वैल्यू बेस्ड सिस्टम, दैट इज इट. इट नीड्स अ वैल्यू बेस्ड सिस्टम आल्सो फ्रॉम द इंडिविजुअल्स. यस, केवल मीडिया पे थोप देना दोष, मीडिया में भी प्रॉब्लम्स हैं और उसको रेगुलेट किया जाएगा, बट अनलेस एंड अंटिल द कंटेंट क्रिएटर,
the person who is posting, the person is questioned on the basis of values, tab tak nahi sudharega kuch bhi. Dono cheezon pe kaam karna padega. Regulating the media and self-regulation from the individual's perspective. Yes. Getting the point, students. और ये कहां से आएगा? यही तो आएगा, जीएस पेपर 4 का सिलेबस है. रोल ऑफ फैमिलीज, देखिए यहां लिखा हुआ है सामने मेरे है, रोल ऑफ फैमिली सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकल्केटिंग वैल्यूज. फैमिली, यस, परिवार, समाज, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बहुत बड़ा रोल है. बचपन से ही ये वैल्यूज अंदर आने चाहिए. आई होप यू आर गेटिंग द क्रक्स ऑफ दिस डिस्कशन. इसीलिए ध्यान दीजिए, जीएस पेपर 4 क्यों लाया गया, एथिक्स वैल्यूज क्यों लाया गया, कितने फील्ड में रेगुलेशंस नहीं है, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट है हमारे जीवन का. हम बाय डिफॉल्ट अच्छे काम करते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो डाल दिया जाता है बचपन से ही, तो उस फील्ड में रेगुलेशंस की जरूरत नहीं पड़ती. हम सेल्फ रेगुलेटेड रहते हैं उसमें. हमें डर लगता है कि इफ वी गो अवे फ्रॉम दीज वैल्यूज शायद हमारा ही बुरा हो जाएगा, एंड दैट नीड्स टू बी ब्रॉट अप इन the self-regulation of the content creators on social media also. और एक बड़ी बड़ा एक देखिए कि यहाँ पे issues क्या हैं. देखिए, media is facing numerous issues. Do you agree, students? Fake news, news trading, देखिए, branding through media of particular ideology, misleading people, moral corruption, देखिए, lack of sensibleness media में. दिन भर कोई news आता है, कोई particular topic पे ही आएगा, दिन भर आएगा एक ही topic पे. The core topics many times are missing in the media. Yes. And इतना ही नहीं, ध्यान दीजिए press coverage कितनी बार इतना sensibleness lack करते. 2008 का मुंबई attack जो हुआ था, ठीक है, 26/11 attacks, उसके बारे में मीडिया में आ रहा था कहां कहां क्या पुलिस कहां पे है नहीं है. Means it lack sensibleness. Also mostly importance given to the sports. देखिए वो भी cricket, सिनेमा, पॉलिटिकल वेस्टफुल डिबेट्स, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स. ये तो मीडिया की बात है. सोशल मीडिया पे कम्युनल कंटेंट आज जो आया है, ह्यूज प्रॉब्लम्स मीडिया में. मीडिया को रिफॉर्म करने की जरूरत है, और इसमें सोशल मीडिया रिफॉर्म होना सबसे आवश्यक हो गया. अभी ये देखिए, वे फॉरवर्ड, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ मीडिया एंड प्रेस हाउसेज, ये देखिए, एंड सेल्फ रेगुलेशन फॉर कंटेंट क्रिएटर्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, डेटा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, ये देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स, क्या ये जरूरी है स्टूडेंट्स? कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स, यस, हर जगह कोड ऑफ कंडक्ट आता है. जब आप ऑफिस में जाते हैं, जब आप काम करते हैं, यू आर आईएएस, दिस सिविल सर्वेंट, आईपीएस हैं, ठीक है, पुलिस पर्सनल हैं, आपको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है. आप कहीं भी काम कर रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहे हैं, व्हाई नॉट अपॉन द सोशल मीडिया? यस. And this ultimately needs to be maturity and awareness needs to be created amongst the people. ये देखिए, that's it. तो भाई मीडिया में बहुत सारे मुद्दे हैं, मीडिया में समस्याएं बहुत सारी हैं, और दोनों से टैकल होगा, एथिक्स एंड रेगुलेशंस बोथ. तो फ्रीडम ऑफ प्रेस, नीड ऑफ रिफॉर्म्स इन द प्रेस, नीड ऑफ रिफॉर्म्स, क्या जरूरत है प्रेस में रिफॉर्म्स की, ये सवाल आ सकता है. एग्जामिन द नीड ऑफ रिफॉर्म्स इन द प्रेस, ये देखिए, एग्जामिन the need of reforms. Do you agree, students? ये देखिए, need of reforms in the press. Press में सब कुछ आएगा, television media अलग, उसकी समस्याएं अलग, social media की समस्याएं अलग. ये देखिए, टेन मार्क्स 150 वर्ड्स, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट्स. आर्टिकल 19(1)(a) पढ़ लीजिएगा भाई, ठीक है, चलिए. लॉन्ग वेट फॉर अ डिप्यूटी स्पीकर फॉर लोकसभा, दिस ऑलरेडी वी डिस्कस्ड. मैं बता दूं आपको, 15 जुलाई था शायद, यस, 15 या 16 जुलाई था, 15 जुलाई को आया था ये टॉपिक डिटेल में इंडियन एक्सप्रेस में, ये देखिए, एंड आई हैव पोस्टेड दैट न्यूज आल्सो आउट हियर. ये देखिए, नीड ऑफ अ स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर, क्या स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर लोकसभा के हों या विधानसभा के हों, क्या बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशन होता है? आर दीज ऑफिसर्स प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स? टेल मी स्टूडेंट्स, प्रेसाइडिंग, ये देखिए, प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स. सबसे बड़ी बात है, ये न्यूज क्यों आया, दिल्ली हाईकोर्ट हैज आस्क्ड द सेंटर टू एक्सप्लेन स्टैंड.
डिप्यूटी स्पीकर का पोजीशन वैकेंट चल रहा है कितने दिनों से, ध्यान दीजिए यहाँ पे इट्स रिटेन ऑलमोस्ट 830 डेज, 830 दिन हो गए हैं, 3 साल के करीब, ये देखिए 2 ईयर्स के ऊपर हो गया है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, 838 डेज का ये जिसका कहते हैं पोजीशन वैकेंट है। एंड ये क्या है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये देखिए प्रेसाइडिंग ऑफिसर का रोल देखिए यहाँ पे, स्पीकर ऑफ लोकसभा, हेड ऑफ द लोकसभा, इलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स ऑफ लोकसभा ऑन अ डेट फिक्स बाय द प्रेसिडेंट। सबसे बड़ी बात है, द स्पीकर रिमेन्स इन द ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड इवन कंटिन्यूज आफ्टर इट्स डिसॉल्यूशन टिल अ न्यू लोकसभा स्पीकर इज इलेक्टेड, टिल अ न्यू लोकसभा इज इलेक्टेड। यस, एक यही ऑफिस होता है जो कंटिन्यू करता है, सारे लोग लोकसभा जब डिसॉल्व करता है उनका पोजीशन खत्म हो जाता है, स्पीकर का पोजीशन रहता है। व्हाई? टू क्रिएट कंटिन्यूटी इन द लेजिस्लेचर, ये देखिए कंटिन्यूटी इन द लेजिस्लेचर। एंड डिप्यूटी स्पीकर क्यों जरूरी है, परफॉर्म्स द एक्टिविटीज ऑफ अ स्पीकर व्हेन द स्पीकर इज एब्सेंट और द पोस्ट इज वैकेंट। यस, दिस इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और डिप्यूटी स्पीकर नहीं अभी है लोकसभा में, उनकी जरूरत तब हुई थी जब स्पीकर को कोविड हो गया था, एंड एट दैट टाइम इट वॉज डिस्कस्ड दैट अगर ऐसी समस्या आ जाए देयर शुड बी अ डिप्यूटी स्पीकर। टेल मी स्टूडेंट्स, डू यू एग्री विद दिस, डू यू एग्री देयर शुड बी अ डिप्यूटी स्पीकर? यस। देखिए पावर्स बहुत ज्यादा हैं लोकसभा स्पीकर के, ये देखिए पावर ऑफ लोकसभा स्पीकर मैंने यहां पुट किया हुआ है। सबसे बड़ी बात है फाइनल पावर टू मेंटेन ऑर्डर इन द लोकसभा, presiding over joint session of both the houses, ठीक है, and will exercise his casting vote in case of equality of votes, अगर किसी बिल पर equal votes पड़े, casting vote कहते हैं, ठीक है, preside over the meetings of Lok Sabha, and money bill, stamp लगाना इन्हीं की authority होती, बहुत important। अब आप बोलेंगे सर क्या, तो सर क्या अभी परेशानी क्या चल रही है, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है भाई डिप्यूटी स्पीकर चूज कीजिए आप, क्योंकि डिप्यूटी स्पीकर के नहीं चूज होने से अगर स्पीकर बीमार पड़ते हैं, हु विल प्रेसाइड ओवर लोकसभा, द क्वेश्चन इज हु विल प्रेसाइड ओवर लोकसभा इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ द स्पीकर बिकॉज ऑफ सर्टन इमरजेंसीज। ये देखिए देखिए, व्हेन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कॉन्ट्रैक्टेड COVID-19 द एब्सेंस ऑफ डिप्यूटी स्पीकर वॉज फेल्ट। ये देखिए, नाउ लेट अस सी 15 जुलाई को क्या आया था इसका न्यूज, ये देखिए 15 जुलाई को न्यूज आया था दैट सर्टन स्टेट्स द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली हैज बीन विदाउट अ स्पीकर फॉर मोस्ट ऑफ दिस ईयर एंड दिस व्हाइल स्पीकर्स चेयर इज करेंटली वैकेंट इन महाराष्ट्र डिप्यूटी स्पीकर्स पोजीशन इज वैकेंट इन सेवरल अदर स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल एज लोकसभा। ये देखिए अब लोकसभा में डिप्यूटी स्पीकर का क्या रोल है, ये देखते हैं। How the speaker and deputy speaker are elected? The constitution specifies offices like those of president, संविधान में लिखा हुआ है vice president, chief justice of India and CAG as well as speaker and deputy speaker. संविधानिक ऑफिस है, article 93 for Lok Sabha and article 178 for state assemblies state that these houses shall as soon as may be choose two people, a speaker and deputy speaker. Yet, ध्यान दीजिए, the constitution neither sets a time limit nor specifies the process for these elections. कुछ भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि कैसे election होगा, क्या time limit है। It leaves it to the legislatures, ये देखिए, to decide how to hold these elections. In Lok Sabha and state legislatures, the president or the governor, the case may be, sets a date for the election of the speaker and it is the speaker who decides the date for election of deputy speaker. Very, very important. Ye dekhiye. Clear? Khud wo decide karenge ki bhai kaise choose hoga. To Lok Sabha decide karega na article 93 ke tahat kaise choose honge speaker and speaker decide karenge deputy speaker kab choose honge. The legislatures of these respective houses vote to elect one amongst themselves to these offices. Haryana and UP specify a time frame. Haryana and UP state ne apne yahan act pass kar diya time frame batane ke liye ki iske andar mein election hona chahiye.
ठीक है, देखिए सेवन सेवन डेज के अंदर में स्पीकर के बाद 7 डेज के अंदर में डिप्यूटी स्पीकर का पोजीशन आना चाहिए। और ये हरियाणा का है, 15 डे लिमिट है यूपी में, ये देखिए। तो यही पॉइंट है स्टूडेंट्स यहां पे, अब चूज तो हुआ नहीं है कोई, ये देखिए चूज तो हुआ नहीं। अब बात है कि डिप्यूटी स्पीकर का पोजीशन किसे दिया जाता है। स्पीकर तो रूलिंग पार्टी का होता है, डू यू एग्री, स्पीकर इज ऑफ रूलिंग पार्टी एंड डिप्यूटी स्पीकर कौन होता है, आइए देखते हैं लिखा हुआ इसमें। डिप्यूटी स्पीकर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीकर, नॉट सबॉर्डिनेट टू हिम एज बोथ आर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स। देखिए लिखा हुआ है सबॉर्डिनेट नहीं है, और डिप्यूटी स्पीकर उस जगह को संभालेगा इफ द स्पीकर इज नॉट कमिंग। सिंस इंडिपेंडेंस द लोकसभा डिप्यूटी स्पीकर पोजिशन हैज ग्रोन इन इंपॉर्टेंस एंड ये जो पोजीशन है ठीक है, द डिप्यूटी स्पीकर एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीकर ऑफिस बाई एक्टिंग एज द स्पीकर व्हेन द ऑफिस बिकम्स वेकेंट। क्या ऐसा कुछ हुआ है? यस, इन द केस ऑफ फर्स्ट लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर द ऑफिस बिकेम वैकेंट इन 1956, उस समय डिप्यूटी स्पीकर ने संभाला ये ऑफिस। ऑल्सो इन 1977 रेजिग्नेशन बाई स्पीकर एन संजीवा रेड्डी फॉर फाइटिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उस समय संभारा डिप्यूटी स्पीकर ने, बहुत इंपॉर्टेंट था डिप्यूटी स्पीकर। बात समझ में आ रही है बच्चा लोग, बताइए मुझे। और यही यहां लिखा हुआ है दैट ये स्पीकर तो रूलिंग पार्टी से आते हैं, डिप्यूटी स्पीकर कहां से आते हैं? डिप्यूटी स्पीकर कैन कम फ्रॉम रूलिंग पार्टी और अपोजिशन। अंटिल द फोर्थ लोकसभा कांग्रेस हेल्ड बोथ द स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर पोजिशन। इन द फिफ्थ लोकसभा एन इंडिपेंडेंट मेंबर वॉज इलेक्टेड एज द डिप्यूटी स्पीकर, इंडिपेंडेंट किसी भी पार्टी के नहीं थे। द ट्रेडिशन फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्यूटी स्पीकर गोइंग टू अपोजिशन पार्टी स्टार्टेड ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, ये अपोजिशन को भी दिया जाने लगा ये पोस्ट। और उसके बाद ध्यान दीजिए द फर्स्ट टाइम द डिप्यूटी स्पीकर, ये यहां लिखा हुआ है, बाद में भी इट डिपेंड्स रूलिंग पार्टी, कोई छोटा पार्टी या अपोजिशन पार्टी, ये वैरी करता है इन द पार्लियामेंट। तो इट आर्टिकल 93 बिकम्स इंपॉर्टेंट, डिप्यूटी स्पीकर का पोजिशन इंपॉर्टेंट, स्पीकर का पोजिशन इंपॉर्टेंट, डिप्यूटी स्पीकर कब चूज होंगे ये स्पीकर बताएंगे, और स्पीकर कब चूज होंगे ये प्रेसिडेंट बताएंगे, डेट फिक्स करेंगे इलेक्शन का। डिप्यूटी स्पीकर कैन बी फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टीज बट स्पीकर इज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी ओनली। इसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन माइट कम इन यूपीएससी। आई होप दिस इज क्लियर, टेल मी। इस चीज को याद रखिएगा और लोकसभा स्पीकर का याद कर लीजिएगा फंक्शन। एक सबसे बड़ा फंक्शन होता है मनी बिल स्टैंप लगाना, आर्टिकल 110 देखकर, आर्टिकल 110 देखकर मनी बिल क्या होता है, विच इज स्टैंप्ड बाय द एंडोर्स्ड बाय द लोकसभा स्पीकर। कैसे एंडोर्स करते हैं, क्यों स्टैंप लगाते हैं, आर्टिकल 110 देखकर। सुना होगा आपने, आर्टिकल 110 इज नॉट फॉर यू, इट्स फॉर द स्पीकर। मनी बिल, मनी, व्हाट इज अ मनी बिल, एनी बिल व्हिच इज एंडोर्स्ड बाय द स्पीकर एज अ मनी बिल, दैट्स इट। हमें केवल इतना देखना है। और आर्टिकल 110 स्पीकर के लिए बनाया गया, रेफरेंस के लिए। चलिए आगे बढ़ जाए, तो यहां से प्रीलिम्स का क्या सवाल है, आर्टिकल 93, आर्टिकल 178 पढ़ लीजिएगा, एंड स्पीक डिप्यूटी स्पीकर का पोजीशन किसको दिया जाता है, इलेक्शन कैसे होता है, दिया हुआ यहां। कॉन्स्टिट्यूशन डजंट स्पेसिफाई टाइम लिमिट, फर्स्ट पॉइंट, दिस कैन कम इन द प्रीलिम्स एंड डजंट स्पेसिफाई द प्रोसेस, इट लीव्स इट टू द लेजिस्लेचर। एंड रोल पढ़ लीजिएगा मेंस के लिए। चलिए आगे बढ़ जाए, इकोनॉमी का टॉपिक है, एक्सपोर्ट्स रोज 45% टू $33 बिलियन इन अगस्त, ये देखिए मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स देखिए राइज कर रहे हैं, और मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स भी राइज कर रही है। देखिए आपने सर ये कैसे पॉसिबल है कि गुड्स का एक्सपोर्ट भी राइज कर रहा है, गुड्स का इंपोर्ट भी राइज कर रहा है। क्या जुलाई में रिकॉर्ड सेट हुआ था स्टूडेंट्स, टेल मी, क्या जुलाई में रिकॉर्ड सेट हुआ था? यस, एक्सपोर्ट्स में। नाउ यू विल से दैट ये सर पॉसिबल कैसे है सर, एक्सपोर्ट्स भी राइज कर रहा है, गुड्स का इंपोर्ट भी राइज कर रहा है, क्योंकि इंडिया एड्स वैल्यू टू सर्टेन गुड्स। यस, एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, डू यू एग्री, एग्जाम्पल क्रूड ऑयल, ये देखिए क्रूड ऑयल, ये देखिए
जेम्स एंड ज्वेलरी मंगाकर उसको पॉलिश करके तराश कर पत्थर को तराश कर वापस बाहर भेजना, इसे कहते हैं वैल्यू एडिशन इन द जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। क्रूड ऑयल मंगाकर रिफाइन कर उसके प्रोडक्ट्स, रिफाइनिंग प्रोडक्ट सुना है आपने, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ये देखिए शायद ये कोर सेक्टर है इंडिया का, सुना है आपने कोर सेक्टर आईआईपी में, ये देखिए कोर सेक्टर ऑफ आईआईपी रिफाइनिंग इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कोर सेक्टर है रिफाइनिंग। ये दो ऐसे एरियाज हैं जो टॉप फोर इंपोर्ट्स हैं इंडिया के, यस, एंड वापस वैल्यू एड करके एक्सपोर्ट्स, ये देखिए दैट्स इट। तो टेल मी स्टूडेंट्स, मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स ज्यादा आए हैं इस बार एक्सपोर्ट से, तो क्या इंडिया ट्रेड डेफिसिट देख रहा होगा? ट्रेड डेफिसिट, डू यू एग्री? ट्रेड डेफिसिट इज व्हेन इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स, डू यू एग्री? ट्रेड डेफिसिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या यहां से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, केवल टॉप फोर इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया इन गुड्स, पढ़ लीजिएगा इस बार प्रीलिम्स में आने वाला है, टॉप फोर इंपोर्ट्स गुड्स में क्या है इंडिया की। मर्चेंडाइज मींस गुड्स इंपोर्ट्स, गुड्स एक्सपोर्ट्स, दैट्स इट। क्लियर है बच्चा लोग? आइए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट, ग्लोबल फूड प्राइसेस रीच अ रिकॉर्ड हाई। FAO ग्लोबल लेवल पर फूड इन्फ्लेशन का इंडेक्स निकालता है, ये देखिए फूड इन्फ्लेशन। एंड स्टूडेंट्स, क्या ये शो कर रहा है इन्फ्लेशन इन द फूड प्राइसेस? यस। इज इट गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अफ्रीकन कंट्रीज एंड पुअर कंट्रीज? यस, देखिए इन्फ्लेशन इन फूड प्राइसेस, ये देखिए, ये लाइव मिंट का न्यूज है, ग्लोबल फूड प्राइसेस। इस साफ साफ जैसे अगर इन्फ्लेशन होगा तो कितने लोगों के पॉकेट से जो पैसा है, पॉकेट में जो पैसा है, they will not be able to buy food. Will this lead to food insecurity? Tell me. Food insecurity in these countries? Yes, ये देखिए। अब आप बोलेगा सर इस पे सर कैसे काम होगा? इसी के लिए एक बहुत बड़ा समिट होने वाला है सितंबर 21 को, वेट कर रहा है उस समिट का। यस, व्हाट इज द समिट? FAO इज गोइंग टू होल्ड फूड सिस्टम समिट 23 सितंबर न्यूयॉर्क में। इसमें एक रिपोर्ट जारी किया जाएगा FAO की तरफ से। व्हाट इज FAO? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए फूड सिस्टम समिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेडी करना पड़ेगा। फूड सिस्टम समिट किसके अंडर में, कहां पे हो रहा है? न्यूयॉर्क में हो रहा है, FAO के अंडर में, वी आर गोइंग टू सी इट। चलिए आगे बढ़ जाए, ये देखिए। तो इस यहां से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, बस प्रीलिम्स के लिए। व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट, ठीक है, व्हाट इज इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, एंड एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, टॉप फाइव कमोडिटीज ऑफ इंडिया, ठीक है, टॉप फाइव कमोडिटीज, प्रीलिम्स का फैक्चुअल क्वेश्चन इस बार ये आएगा, रेडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इंडियन बायोलॉजिस्ट विंस ग्लोबल अवार्ड फॉर टर्टल कंजर्वेशन, मिस्टर शैलेंद्र सिंह, ठीक है, टर्टल कंजर्वेशन में इन्होंने बहुत बड़ा अवार्ड जीता है। टर्टल्स की बात आई तो याद आ गया मुझे, द हिंदू में एक संडे को मैंने डिस्कस किया था, द हिंदू में आया था टर्टल्स एंड टॉर्टोइज में फर्क, जरूर से रेडी कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि टर्टल्स एंड टॉर्टोइज इट विल बी दिस ईयर यूपीएससी विल आस्क क्वेश्चंस, द हिंदू में आया हुआ था डिटेल। एंड ये देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्टल है, ये तीन टर्टल्स को इन्होंने कंजर्व किया है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड टैगलाइन है उन टर्टल्स पे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें से है नॉर्दर्न रिवर टेरापिन, ये देखिए बातागुर बास्का इसका नाम है साइंटिफिक नेम, नॉट इंपॉर्टेंट दैट मच, रिवर टेरापिन, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन, ये ब्रह्मपुत्र में पाया जाता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड टर्टल है, देखिए यहाँ पे, ये IUCN के वेबसाइट से मैंने निकालकर यहाँ पुटअप किया है। इट इज ओमनीवोरस डाइट ये फॉलो करता है, एंड इसे कहते हैं स्कैवेंजर ऑफ द रिवर्स, यस, एफिशिएंट क्लीनअप सिस्टम ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स, यही पूरा ब्रह्मपुत्र नदी और आसपास के वेटलैंड्स को क्लीन करता था पहले, कहां पाया जाता है, फ्रेश वाटर रिवर्स एंड लेक्स में।
इंडिया के अलावा और कहां पाया था? बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया. फॉरिक मीन्स अगर देखा जाए पूरा पुट किया जाए साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. ये देखिए अब आप बोलेगा सर ये इसकी संख्या कम हो गई है. बहुत कम हो गई है स्टूडेंट्स. क्या भारत सरकार ने इसके कंजर्वेशन के लिए कोई लॉन्च किया प्रोग्राम? यस यस यस. स्पीसीज कंजर्वेशन प्रोग्राम सुना है आपने? कुछ स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. 22 स्पीसीज टिल डेट. 22 स्पीसीज टिल डेट. ये देखिए बाबरी का सर 22 स्पीसीज कहां सर पढ़ाया था आपने? याद कीजिए कोई एक वाइल्ड कैट स्पीसीज था चंबल का. मैं उसे पढ़ाते समय मैंने बताया था स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम. याद है कुछ? व्हाट वाज द वाइल्ड कैट स्पीसीज? कैराकल. याद कीजिए कैराकल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड कैट. इट वाज द न्यूएस्ट एंट्री इनटू स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम. ये देखिए भारत सरकार का प्रोग्राम अलग से पैसा देकर इनको कंजर्व करना. करैकल करैकल वाइल्ड कैट और उसके पहले रिवर टेरापिन. ये आई सपोज यू गॉट द क्रक्स ऑफ दिस. बहुत इंपॉर्टेंट है. रिवर टेरापिन इज इन ब्रह्मपुत्र. इट्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड. एक और भी टर्टल है ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल. ब्लैक सॉफ्ट शेल ये देखिए टर्टल वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. यही पाया जाता है ब्रह्मपुत्र. ठीक है. और शैलेंद्र सिंह जी को मिला है अवार्ड. क्या ये अवार्ड मिला ये इंपॉर्टेंट है? नहीं नहीं नहीं. इंपॉर्टेंट है कौन से तीन टर्टल्स हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है इंडिया में पाए जाते हैं. कौन से थ्री टर्टल्स? ये देखिए दिस वन इज रिवर टेरापिन, सेकेंड इज सॉफ्ट शेल टर्टल एंड थर्ड इज रेड क्राउन रूफ टर्टल. रेड क्राउन ये देखिए रूफ टर्टल. याद रखिए ये तीनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड. तीनों को बचाया इन्होंने. क्लियर है? ये देखिए मैंने पुटअप किया हुआ है बातागुर बास्का के बारे में. रिवर टेरापिन दिस ईयर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए और भी एक न्यूज आया था मई 20 के आसपास का. अमेरिकन टर्टल एक आ गया है इंडिया में, स्लाइडर टर्टल. ये भी यूएस की तरह ही है. जैसे यूएस हर जगह जाकर कैप्चर कर लेता है. ठीक है. हर जगह कैप्चर किया फिर चला गया, भाग गया अफगानिस्तान से. फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट सेइंग लाइक दिस, स्लाइडर टर्टल्स हैव कम एंड कैप्चर्ड द रीजन्स ऑफ इंडियन टर्टल्स. ये इनवेसिव स्पीसीज है. ये कहाँ आ गया? दीपोर बिल में आ गया है. दीपोर बिल से गायब हो गए हैं सारे टर्टल्स. ये देखिए दीपोर बिल सुना है आपने? दीपोर बिल इन असम. और इसकी सबसे बड़ा डेंजर इसका वही तीन टर्टल्स के लिए है. ऑल थ्री टर्टल्स हैव रन अवे फ्रॉम देयर. जहां ये जा रहा वहां से भाग जा रहे हैं. सोचिए. दैट्स इट. तो चलिए आगे बढ़ जाए. देखिए लास्ट न्यूज ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन एक्सपेक्टेड लाइन्स. ये तो कल ही आया था. कोविड शॉट कितने स्टेट्स टॉप में है, कौन से बॉटम में दिया हुआ है. एंड ब्रिस्क डीकोड इंटरलिंकिंग सेक्शन. ये इसमें वो न्यूज है जो इम्पोर्टेंट नहीं उतने नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं. नॉर्थ कोरिया रिजेक्ट चाइनीज वैक्सीन. अलग ही माहौल है नॉर्थ कोरिया में. देखिए कहा गया भाई नॉर्थ कोरिया हो वैक्सीन ले लो, किसी का भी वैक्सीन हो नहीं देंगे. चाइना को और रशिया बोले क्यों नहीं लोगे, हमारे यहाँ कोविड है नहीं. कोविड है तो होता क्या है, नॉर्थ कोरिया कह रहा है. सेकेंड ये देखिए यमन में हाउदी रिबल्स ने अटैक किया. देखिए गवर्नमेंट के साथ में. ये देखिए वेस्ट एशिया बहुत दिन से पीसफुल चल रहा था, कैसे पीसफुल रहेगा. देखिए यमन में लॉन्च अटैक. उसके बाद देखिए साइक्लोन इदा स्लैम्स यूएस नॉर्थ ईस्ट. पहली बार नॉर्थ ईस्टर्न रीजन न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी में लोग मारे गए. दूसरे टर्टल कहाँ भाग जाते हैं? अरे कहाँ भागेंगे ये बताइए. वो जहाँ जाएगा वहाँ से भाग कर कहाँ जाएंगे? ठीक है. दे आर रनिंग अवे मीन्स कहने का मतलब है कि उनका हैबिटेट सिकुड़ता चला जा रहा है. ठीक है. सो दैट्स इट स्टूडेंट्स. तो देखिएगा आई होप द सेशन वॉज इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है. विल मीट इन अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर ऑन द
कंसेप्ट यूट्यूब चैनल फॉर एडिटोरियल आर्टिकल। आज के लिए मेरी तरफ से न्यूज एनालिसिस में इतना ही काफी है, ठीक है। आज बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखा गया स्पीकर के बारे में, आज देखा गया मीडिया के बारे में, ठीक है। यस बिल्कुल, देखिए अगर आप बात कीजिएगा बाउंड्रीज, बाउंड्री टेंशन, ठीक है, तो पाकिस्तान पाकिस्तान पे असर पड़ेगा अफगानिस्तान के साथ जो बाउंड्री टेंशन होगी। तो दिस इज द टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी अंडरस्कोर अनुराग सिंह, मिलते हैं, अपडेट्स वहीं आएंगे। नमस्कार, जय हिंद, गिव योर बेस्ट टुडे। आज दोबारा नहीं आने वाला है आपकी लाइफ में 3 सितंबर 2021, जान लगा दीजिए पढ़ाई में आज, ठीक है। आई विल एंड द सेशन।